हेलो गाइस, वेलकम टेक्नोजार, दिस रोहित शर्मा। और यार, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ, ठीक है? तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताया था, हमने इसरो की टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी अभी लास्ट मंथ में, जो कि आपकी वेबसाइट पर भी चल रही है और आपका मंडे तक अराउंड इस वीक के अंदर आपको उसे ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी, मैकेनिकल अड्डा ऐप पे। उस टेस्ट सीरीज को भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जिससे आपको ईजी रहेगा। या तो आपका मन कर रहा है वेबसाइट पर देना, वेबसाइट पर दे दो, या मन कर रहा है ऐप पर देना तो ऐप पर भी दे सकते हो। सेकेंड चीज़ ये है कि आपके डेली क्विजेज भी चल रहे हैं, ठीक है? डेली क्विजेज ऐप के ऊपर चल रहे हैं, जहाँ पे हमने दो बैचेस बना रखे हैं आपका मैकेनिकल के लिए और इसरो ईसीई के लिए, ठीक है? इसरो ईसीई नाम का एक बैच बना हुआ है, जिसके अंदर अराउंड 150 प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो डेली स्टूडेंट्स क्विजेस के लिए क्विजेज अटेम्प्ट कर रहे हैं और अपना रिविजन करे जा रहे हैं, ठीक है? तो आप भी जाके बैच को ज्वाइन करिए, मैकेनिकल अड्डा का ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है? और बैच में जाके क्विजेस को अटेंड करिए, प्लस टेस्ट सीरीज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्साइटिंग अनाउंसमेंट ये लेकर आ रहा हूँ कि हम इसरो टेक्निकल असिस्टेंट, जो स्पेशली डिजाइंड है क्रैश कोर्स, उसके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर हम 180 प्लस लेक्चर्स होंगे, ठीक है? टॉपिक वाइज कंसेप्ट होंगे, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है? जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं इसरो के, अराउंड जो भी हमारे 15-16 पेपर्स हैं, तो उनके टॉपिक वाइज, जैसे सपोज हम नेटवर्क थ्योरी का कर रहे हैं, तो नेटवर्क थ्योरी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, तो वो उसकी एक अलग वीडियो होगी कोर्स के अंदर, ठीक है? तो कोर्स किसके लिए बनाया, कोर्स वेल डिजाइन करा गया, स्ट्रक्चर करा गया इस तरीके से कि आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे जब आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा क्या है, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, क्वालिटी क्वेश्चंस भी हैं और नोट्स भी प्रोवाइडेड होंगे, जो कि हमने ऐप के अंदर नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जो कि जो अभी थोड़े से अपडेट करने हैं, तो वो इस मंथ में सारे नोट्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के, टॉपिक के, सबके अपडेट हो जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल्स के अंदर। तो आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। प्लस इस सब्जेक्ट्स के अंदर आपके जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर किया जाएगा। सेकंड, आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसके अंदर आपका सी प्रोग्रामिंग और जो भी कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब आएंगे, प्लस इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। दूसरा, अप्लाइड मैथ्स और एप्टीट्यूड के ऊपर भी वीडियोज होंगी, ठीक है? तो वैसे तो इस कोर्स की जो कॉस्ट है, क्योंकि हमने टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी कवर करा है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी, और अराउंड हमारे 180 प्लस लेक्चर्स होंगे, तो इसकी कोर्स जो है 2500 रुपीज़ है कोर्स फी। बट अभी इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि जब हम ECE का फर्स्ट कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि हमारा 15th जून से 20th जून के बीच में वैलिड है। और 50% डिस्काउंट देने का आपको 15 जून से 20 जून के बीच में ओनली रुपीज़ 1250 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है? इसको याद रखना, ओनली 1250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 15 जून से 20th जून के बीच में, ठीक है? 15th को जब मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, तो आपको कुछ डेमो लेक्चर्स उसके अंदर अवेलेबल होंगे, डेमो लेक्चर्स, ठीक है? जिससे आप देख सकते हो कि कोर्स की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से एक्सप्लेन है क्वेश्चंस, ठीक है? क्या स्ट्रक्चर्ड है, क्या डिज़ाइन कर रखा हमने कोर्स को, तो बहुत अच्छे से देख सकते हो। और बाकी कुछ मैं आपको आइडिया इस वीडियो के थ्रू भी दे दूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब आप 15 जून को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की सारी वीडियोज उसके अंदर पहले से अवेलेबल होंगी, ठीक है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे जो टॉपिक्स मैंने अलग अलग कर रखे हैं, ठीक है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, एसी सर्किट्स, पैसिव कंपोनेंट्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स की मैंने चारों पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ट्रांसफॉर्मर्स, डीसी मशीन, इंडक्शन एंड सिंक्रोनस मशीन, ठीक है? जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन इसके बेसिस पे पेपर में ऐसा ना हो कि आप अटेम्प्ट ना कर पाए, ठीक है? तो 15 जून को इसकी सारी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी ऐप के ऊपर, ठीक है? अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, कैसे आपको कोर्स मिलेगा वहां पे, तो ये सब चीजें भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज ढंग से अच्छे से वीडियो पूरा एंड तक देखना, ठीक है? सेकेंड, हमारा नेटवर्क थ्योरी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको भी मैं 15 जून तक इसकी सारी वीडियोज आपको अवेलेबल रहेंगी। दो सब्जेक्ट्स में आपको 15 जून को जब आप रजिस्टर करोगे कोर्स के लिए, तो आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? इसके अंदर KCL KVL कैसे लगाते हैं, नोडल और मैश एनालिसिस, रेजोनेंस, नेटवर्क थ्योरम्स के अंदर हमारी सारी थ्योरम विद गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड रहेंगे, ठीक है? 10 टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर मैंने क्या क्या कवर करा है आपका, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डायोड, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायोड करंट इक्वेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ डायोड एंड बेसिक्स ऑफ BJT एंड FET, ओके? इसकी जो वीडियो है आपका 15 जून से 20 जून के बीच में अवेलेबल रहेंगी ऐप के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है,
इसमें जो क्योंकि ये हमारा वास्ट सब्जेक्ट है इसलिए थोड़ा मुझे भी टाइम लगेगा इसकी वीडियोस प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी लेकर आनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोस भी लेकर आने पड़ेंगे। तो 20 जून से 30 जून का टाइम लगेगा मुझे। तो इसके अंदर आपके ये हमारे टॉपिक्स होंगे, टॉपिक वाइज वीडियोज आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है मैं आपको 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मैं डेट्स बता रहा हूँ ये फिक्स रहेंगी, ये ना ज़्यादा आगे पीछे होंगी ना कुछ होगी। इस डेट्स के बीच में आपको ये वीडियोस आपको ऐप के ऊपर मिलेंगी, तो आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लॉजिक गेट्स है, नंबर रिप्रेजेंटेशन, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, हाफ एडर फुल एडर सबट्रैक्टर मक्स डीमक्स एनकोडर डीकोडर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हो गए, लॉजिक फैमिलीज होंगे, एडीसी डीएसी होंगे, बाकी प्रीवियस ईयर वीडियोज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। जो कि बच्चे कह रहे थे कि सर कंट्रोल सिस्टम के एक दो क्वेश्चन आता है, लेकिन वो अच्छे से हम कर सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों को नहीं आता बट फिर भी मैंने इसलिए मैंने वैसे तो एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं बट मैंने इसको देखते हुए कि ईजी टॉपिक है इसलिए मैंने इसको भी अपने कोर्स में इन्वॉल्व करा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन लूप और कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बेसिक्स क्या होते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या है, राउथ और वर्सेस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कैसे देखते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर की एक्सप्लेनेशन और गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं जो अपनी तरफ से भी लूंगा प्रिपेयर कराते टाइम, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है WMI या इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर एरर एनालिसिस है, मेजरमेंट और रेजिस्टेंस, डीसी ब्रिज और एसी ब्रिजेस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होगा जो हम पीएमएमसी वगैरह मेजर मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं। सीआरओ हो गया, कैथोड ऑसिलोस्कोप हो गया, डीवीएम डिजिटल वोल्ट मीटर हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, ठीक है। ये जो कोर्स है आपको 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में इसकी वीडियोज मिल जाएंगी आपको आपके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी अराउंड 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखते हैं अपने इसरो के पेपर्स के अंदर, चाहे आप HSFC की बात करो या VSSC या बाकी किसी और सेंटर के एग्जाम की बात करो, तो 1 या 2 ही क्वेश्चन देखते हैं बट फिर भी हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसके अंदर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गए, थायरिस्टर्स हो गए, चॉपर्स हो गए या इन्वर्टर्स हो गए। ये सिर्फ आपका बेसिक आता है, ना ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। तो इसके बेस पर भी हम क्वेश्चन कर लेंगे और कोर्स में जो जो बेसिक कंसेप्ट होंगे जो क्वेश्चंस करने से पहले हमें देखने चाहिए और हमें पढ़ने चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा। ये जो इसके जो कोर्सेज हैं वो आपके 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में इसकी वीडियोज आपको ऐप पे मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईसी स्टूडेंट। 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर की पूरी इंट्रोडक्शन, 8051 माइक्रो कंट्रोलर और उसके प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, इन तीनों के, ठीक है। ये सब इन्वॉल्व रहेंगे प्लस प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियोज होंगी, ठीक है। ये 21 जुलाई से 23 जुलाई के अंदर मैं कवर करा दूंगा। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत ही वास्ट टॉपिक है आपके लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को, इसलिए मैंने इसके लिए ज़्यादा टाइम लिया, 23 जुलाई से 31 जुलाई अराउंड 8 to 9 days लिए हैं इसको कवर कराने के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, इसमें एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर रिसीवर ट्रांसमिशन लाइन जो भी सब कुछ जो भी हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आता है, डेटा कम्युनिकेशन एनालॉग कम्युनिकेशन सब चीज़ें कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ये पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है, ज़्यादा बेसिक्स में बेसिक्स ही आएगा इसका, ना ज़्यादा एडवांस आ रहा, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स हैं जो मैं कवर कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है। कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के जो टॉपिक होंगे वो मैं इसी सब्जेक्ट के अंदर लूंगा और ये जो मैं है 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में कवर करा दूंगा इसकी वीडियोस, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा हमारे कोर्स का और उसके बाद जो हमारे आते हैं वो आते हैं हमारे अप्लाइड मैथ्स और एप्टीट्यूड, ठीक है। अप्लाइड मैथ्स और एप्टीट्यूड की जो वीडियोस है वो मैं आपको साइड बाय साइड, ठीक है, इस 5 अगस्त तक, मतलब 15 जून से 5 अगस्त तक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, बीच बीच में आती रहेंगी इसकी वीडियोज, ठीक है, मैकेनिकल अड्डा ऐप पे और एप्टीट्यूड की। ये हमारी टॉपिक वाइज वीडियो होंगी, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, पूरा, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी सारी वीडियोस आएंगी कोर्स क्रैश कोर्स के अंदर ऐप के ऊपर, ठीक है। तो जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड करिए अभी से, क्योंकि आप डेली क्विजेज और टेस्ट सीरीज तो अभी से ही आप एनरोल कर सकते हो और बाकी 15 जून से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप क्रैश कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हो जल्द से जल्द, ठीक है। डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिससे आपको पता लग जाएगी हाँ वीडियो की क्वालिटी कैसी है, किस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, अच्छा है बेकार है, ठीक है, तो वो सब आप देख सकते हो और 15 जून से आप एनरोल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और याद रहे 15 जून से लेकर 20 जून तक जो आपकी कोर्स फी है अराउंड 1250 रुपीज़ ही है, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद जो हमारी कोर्स फी है 2500 रुपीज़ हो जाएगी, तो प्लीज़ प्लीज़ याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम ये कोर्स कहाँ से, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर आप मैकेनिकल अड्डा टाइप करना, मैकेनिकल अड्डा का ये ऐप आएगा, ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लेना अपने
मोबाइल फोन्स के अंदर, ठीक है, और उसको ओपन जब करोगे, ठीक है, ओपन करने के बाद आपको इसरो ईसी जो बैच कोड है उसमें रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा और आपको वो बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से आप स्टोर में जाके आपको एक स्टोर का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हो, कोर्स एनरोल कर सकते हो और डेमो लेक्चर्स देखने के बाद भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये जो मैकेनिकल अड्डा का जो हमने ऐप लिंक प्रोवाइड कर रखा है, ये आपको इजीली यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी कि ऐप नहीं मिल रहा सर, कैसे करेंगे डाउनलोड, क्या जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और हाँ, आईफोन के अंदर जो बच्चे जिन स्टूडेंट्स के पास आईफोन है, ठीक है, तो उन्हें मैकेनिकल अड्डा का ऐप नहीं मिलेगा, तो उनको क्या करना है, क्लास प्लस का एक ऐप है आईफोन एप्पल स्टोर पे, जो आपका एप्पल स्टोर होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लास प्लस का ऐप, वो डाउनलोड करके वहाँ पे वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, जब आप इंस्टॉल करके ओपन करोगे आईफोन में ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, तो आपको ZNVUT टाइप करना है, तो आपको मैकेनिकल अड्डा का पूरा इंटरफेस मिल जाएगा वहाँ पे, सही है। तो आप वहाँ पे भी जाके स्टोर में जाके बाय कर सकते हैं अपना जो भी आपका कोर्स है या टेस्टरी जो भी आपको बाय करनी है, तो आप जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पूरा देखना, अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद जाके मैकेनिकल अड्डा का ऐप को डाउनलोड करना, सारे नोट्स स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब फ्री में मिल रहे हैं, क्विजेस डेली क्विजेस जो है वो सब फ्री में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जाके करिए और क्रैश कोर्स का मज़ा उठाइए, ठीक है। और सितंबर के अंदर आपका मेनली मैंने आपको पहले बता दिया एग्जाम डेट जो है सितंबर के अंदर आएगी, तो मैं अराउंड 5th ऑफ अगस्त आपका पूरा कोर्स प्रिपेयर करा दूंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो अब वो अभी भी स्टार्ट करके अपनी पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका क्रैश कोर्स बिल्कुल वेल डिजाइन स्ट्रक्चर्ड हो आपके पूरे इसरो के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस आस्क मी इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर।